प्रोनिंग है ना जी, उसमें हमारे जो टहने हैं, जो भी आपका टहना निकलेगा जी, वो आपके लीडर से ही निकलेगा। आपने उसको प्राइमरी ब्रांच लेके चलना, उस टहने से आपने आगे की टहने नहीं बनानी। पर क्या है, जो हमारे पुराने बगीचे वहां तो ऑलरेडी टहने बन चुके हैं जी, तो आप उसको बहुत पीछे नहीं कर सकते। तो आपने कहाँ तक पीछे करना है, अपने अंगूठे के साइज से इतना ही पीछे जाना है आपने एक साल में। इस अंगूठे के साइज से मोटे कट नहीं लगाने आपने पीछे। तो मेरा जो अगर मैं मेन मान के चलता हूँ ना जी, तो मेरा ये मेन है। पर अगर आप इसकी स्थिति अभी देख रहे हैं ना जी, आपकी जो प्रोनिंग होनी थी वो नहीं थी ऐसी जी, ऐसी जी है ना जी, ये नॉर्मली जो प्रोनिंग है। क्यों आपने यहाँ कट मारा नहीं, क्या आपने बनाया रास्ता इसका ग्रोथ का? पर हमारे को ग्रोथ कहाँ चाहिए, इस टहने में, इसमें जी, ये सारे में भी, में अंदर जी, मेन जो आपके टहने हैं वो प्राइमरी आपने टहना लेना, उसे सेकेंडरी नहीं बनाना है जी। तो मेरे को क्या है, मैंने इसकी ग्रोथ बंद करनी है जी, ग्रोथ बंद करनी है, मैंने ऐसे आना है जी इसमें। आपने पीछे कहाँ आना है जी, इस साल की फसल को देख के कि मेरी इस साल की फसल के लिए मेरे पास कितने बीमे हैं, उस हिसाब से आपने पीछे आना है। अलबत्ता आना तो आपने एट लास्ट 10 इंच में, लास्ट में आपने 10 इंच तक टहने को पीछे लाना है। वो कौन सा टहना, जो अंगूठे के साइज तक का हो। बहुत मोटे टहने में ज्यादा पीछे नहीं आना, क्योंकि पुराने पेड़ में इतने पीछे नहीं आ पाएंगे। तो वह जहां पीछे नहीं आ सकते ज्यादा, वहां क्या करना, इस टहने को भी आपने ऐसे ही बनाना है जैसे हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके 10 इंच में ही हमने सारा बीमा रखना है। और जो आपका जहां आपका बीमा बन गया जी ज्यादा, उसको आपने रोटेट करना है। ये बीमा आपको लग रहा है मेरे इस साल का है, ये मेरे इस साल का है, तो यहाँ मेरे पे रिंग बना हुआ है तो इसको मैं रिंग से काटूंगा, ये अगली साल का बीमा है। प्रोनिंग आपकी 2 साल की एक साथ में चलेगी जी। ये वाला नहीं हो सकता था, जैसे इसको यहीं से रख दिया। ये तो भैया इस साल भी देगा ना आपको, ये तो आपको इस साल का फसल, अगली साल कहाँ लेंगे जी? अगली साल प्रोनिंग आपकी 2 साल की कटिंग, इस साल का बीमा तो जी आप किसी को भी देंगे ना जिसको पता नहीं। तैयार हो गए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। प्रोनिंग क्या है जी, इस साल का बीमा तो आप कोई भी अनगढ़ प्रोनर को लगाएंगे, उसको पता है इसमें सेब लगने, वो सारे भी छोड़ देगा तो सेब लग जाएंगे, उससे अगले साल किसमें सेब लगेंगे। अगर हम ये नहीं समझ पाए तो हम ये अल्टरनेट बेयरिंग, एक साल सेब लगते दूसरे साल नहीं लगते, इस चेन को कभी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो प्रोनिंग वही है जो 2 साल की इकट्ठी चले, मैं इस साल का बीमा भी बनाऊं, अगली साल का बीमा भी बनाऊं। ये देखो जी, मैंने यहाँ भी ऐसी काटा ना जी, ये कमजोर, ये वाले पीछे के बीमे खुल जाएंगे जी सारे, ये अगली साल के बनेंगे, ये जो दिख रहे हैं ये इस साल के बीमे है ना जी। तो आपने इसी तरह से रोटेट करना, पर आपने क्या ऐसे नहीं काटना है पीछे से, घना भी हो गया ना जी कहीं बीमा, तो आपने पीछे से उसको नहीं काटना। क्यों नहीं काटना, बीमा दोबारा वहां से निकालना मुश्किल है। आपने क्या करना, वो रिंग रिंग करके उनको पीछे करना। तो इस साल की फसल को देख के आपने इसकी ग्रोथ को ऐसे बंद करना है जी, मैं इसमें ऐसे आऊंगा जी पीछे। रिंग हो गए जी, अगले साल के लिए ये बीमे बनाएंगे आप। हाँ जी, अब हो गया जी ये इनकी सबकी ग्रोथ मैंने बंद कर दी है जी, इसकी भी बंद होनी है जी, इसको भी हमने पीछे लाना है ऐसे। अच्छा जी, ऐसा ये शूटर रखा ना आपने जी लंबा? हाँ जी। क्या इसमें सहरे जी फटेगी, इसमें जी बीमे फटेगी, इसको मैं भी काटूंगा ना जी, फिर ये फिर ग्रोथ में जाएगा दो चार कुछ। हाँ जी, हाँ जी, तो अगली साल को क्या होगा, ये पीछे वाली टहनी मैच्योर हो जाएगी ना जी, फिर आप उसको बीमे से काटेंगे, फिर जब मैच्योर होगी ना जी, 2-3 साल की टहनी होगी, फिर वो कभी ग्रोथ में नहीं जाएगी। जो नए शूट होते हैं उसमें आप बीमे से काटते, पहली साल की कट लगाना जी, कहीं अगर आपने पहली साल स्टब किया हो और उसमें बीमा आया हो, जैसे ही है जी यहाँ शूट निकला, इसमें बीमा आ गया, अगर मैं इसको अभी बीमे से काटूंगा ना जी, ये सेब भी देगा, यहाँ से ग्रोथ में भी चला जाएगा। तो हमारे को ग्रोथ बंद करनी है, तो इसलिए हमने इस बीमे से कहाँ से काट, 2 साल के बाद। हाँ जी, हाँ जी, जब 2 साल का भी टहनी हो जाएगी ना जी, मैच्योर हो जाएगी, फिर आप बीमे से काटो, फिर ये कभी ग्रोथ में नहीं जाएगा। ग्रोथ को रोकने के जी 3 ही तरीके हैं, या तो अनटॉप छोड़ दो जैसे हमने पिने छोड़ी है, ये ग्रोथ में नहीं जाएगी। दूसरा, रिंग से काट लो जी। तीसरा, वही जी 2 साल से 3 साल वाले टहनी पे जो बीमा बनता है उससे काटो। बस जब उसकी ग्रोथ आपने बंद कर दी ना जी, अंदर वाली सारी, इसमें बाकी क्या करना है जी, आपने छांटना है कि मेरे को इस साल के लिए कितने बीमे चाहिए, अगले साल के कितने, वो आपका लालच है जी। किसी को ज्यादा फसल चाहिए, किसी को कम फसल चाहिए, वो आपको है कि आपने क्वालिटी फ्रूट अब कितना बनाना है, वो आपने बस इसमें देखना है। बस इसी तरह से सारे पेड़ों की प्रोनिंग टहने आपकी ऐसी बनेंगे। और देखो जी इसका दायरा, अब अगर इसके नीचे यहां पर भी ऐसे ही टहना होगा ना जी, और उधर से धूप आएगी, ये टहना कहां उसकी धूप रोकेगा।
अब बताओ जी आप। और हम जो काटते हैं ना जी, ये बनाया हमने आगे, कितनी ग्रोथ है जी इसमें, ये ग्रोथ क्या है, ये जो पूरी साल हमने मेहनत की, अभी हम काट के इसको फेंक रहे हैं, अभी हमने ऐसे काटना था आप लोगों ने, इसको कटने इसको जला देना था। तो ये क्या है, ये मेहनत है जी, पूरी साल हमने जो पैसा लगाया हुआ है, अब वो पैसा कहाँ जाएगा, अब मैंने इसको बंद कर दिया जी, अब वो आएगा सेप यहाँ चलेगा, न्यूट्रिशन यहाँ आएगा, यहाँ सेब लगा होगा इसमें जाएगा, वापस आएगा ये वाली यहाँ कितो लेगा, ये नजदीक के बीमे खुलेंगे जी, जितना इस मेन के नजदीक का बीमा होगा जी, उतनी ज्यादा हमारी फ्रूट क्वालिटी अच्छी होगी। एक ही टहने में आपने देखा होगा जी, लार्ज का दाना भी होता है, सिक्स लेयर का भी होता है, इतना फर्क क्यों होता है, खाद आपने एक साथ डाली, स्प्रे आपने एक साथ की। यहाँ बहुत सारे लोग बोलते जी फ्लोरिंग का फर्क पड़ता है जी, फर्स्ट फ्लोरिंग और थर्ड फ्लोरिंग में साइज में कितना फर्क पड़ता है जी, अगर एक लार्ज बनेगा तो स्मॉल ही बनेगा, एक्स्ट्रा स्मॉल ही बनेगा, नहीं सिक्स लेयर सेवन लेयर तो नहीं बनेगा, पर वो क्यों होता है, वो जो नजदीक होते हैं जी मेन टहने के, जितने नजदीक के बीमे होंगे उसको पहले खुराक जाती है, वो फ्रूट आपका हमेशा बड़ा होता है। तो इस प्रोनिंग से क्या होगा, आपकी धूप जो चोटी में लगती है वो धूप भी यहां पहुंचेगी जी, और जो दायरा यहां से बाहर का बीमे का बना रहे थे वो दायरा अब हम यहां बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, इधर वाटर शूट फाड़ेंगे अंदर, इसी में बीमा बनाएंगे जी। इसी तरह से आपने पेड़ को बनाना है ताकि आपकी धूप जो सबसे, मैं बोल रहा हूँ सबसे फ्री की खाद है वो जी, अगर आपने धूप को यहाँ पहुंचा दिया ना जी, आप क्या दिखा दे कम हो जाएगी, जो आप रंग के लिए साइज के लिए हम डाल रहे हैं ना जी, वो सारा काम होगा, फंगीसाइड की स्प्रे भी कम हो जाएगी सब कुछ, क्योंकि आपकी डेंस नहीं है जब, तो आप बीमारियां नहीं लग रही, धूप जब पहुंचा दी ना जी आपने, आधा काम बगीचे का खत्म हो गया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जी प्रोनिंग। तो आपने सारे टहने, जब ये टहना ऐसा है, इससे ये वाला टहना ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला टहना भी ऐसा हो जाएगा, तो धूप ऑटोमेटिकली आपकी आएगी, आपका हर साल का बीमा, यही बीमा जिसमें सेब लगा होगा ना जी, जब धूप इसको प्रॉपर मिलेगी यही बीमा आपको अगले साल सेब देगा। बस आपके काम क्या रहेगा जी, रोटेशन, यहाँ मेरे ये लग गया, जैसे यहाँ देखो ये दो बीमे इस साल के लिए रखने हैं, ये रिंग से काट लिया, ये मेरे अगले साल के लिए बन गए, काम ही आधा हो जाएगा। जिस आदमी के 50 दहाड़ी लग रही है जी, मैं 4 साल में गारंटी देता हूँ वो आदमी 25 दहाड़ी में आ जाएगा। अच्छा, पीछे से काटना है मतलब? पीछे से काटना है, फिर वो खत्म हो जाएगा, मैं पीछे से काट लूंगा ये खत्म हो जाएगा। इसके पास तो ऑप्शन है ना, ये वाले खुलेंगे, पर मैं तो ये भी लेके चल रहा हूँ, जीरो तो करना ही नहीं है, क्योंकि बीमा बनाना मुश्किल है, आप बीमा नहीं बना पा रहे, पर काटने में तो क्या कैंची से काटना ही, वो काटना नहीं है जी। और जहां भी कभी भी आप ऐसे करते हैं जी, ये वाला कट मारते हैं ना जी, ऐसे करके स्टब मारते हैं जी, ये नहीं मारने जी कभी, जब भी आपने ऐसे मारा, यहाँ आंखें है, ये ग्रोथ में जाती है, ऐसी ग्रोथ में जाएगी अगली साल, इसको काटना कैसे जी, जहां ये आंखें खत्म होती है इसकी, इतना सारा ये ठूंठ जैसा रखने ना, जहां आपका कॉलर जैसा होता है, रिंग जैसे बना, तो इस पे नहीं काटना जैसे, क्योंकि जहां ये आंख मिली इसको वहीं से ग्रोथ में जाएगा, तो फिर ग्रोथ वही होगी अगले साल, हमारे को फिर काटना पड़ेगा, तीन तीन चार चार मोटे मोटे बस बस, तो उसका फायदा नहीं, वो तो खुराक वेस्ट होगी, और जहां ग्रोथ चलेगी वहां वो ये भी मैंने बनने देगा पीछे, तो फिर प्लांट में तो रख के उसकी दूसरी कटिंग उसमें डाल दो, वो तो स्टब होता है ना, वो तो वहां से ही कमजोर टहनी नहीं निकालते, वो तो मेन ब्रांच से रखते है ना, वो तो लीडर से, वो तो आपने क्योंकि मेन लीडर से ही कहीं कमजोर टहनी दोबारा लेनी है, क्योंकि मोटी हो गई है, वहां आपको स्टब रखना पड़ता है, ये प्रोनिंग अलग है, यहाँ हमारे को ग्रोथ नहीं चाहिए ना, वहां ग्रोथ चाहिए, यहाँ हमने बीमा बनाना है, तो बीमा बनाने के लिए हमारे को ऐसा काटना है, इसको ऐसा नहीं काटना, हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, फिर अगर आप ये भी पीछे ही जाना है जी, ये भी पीछे जाना है, ये भी पीछे जाना है, इसको भी पूरा काटते हैं हम, अब देखो जी ये कहाँ रोकेगा जी, किसकी धूप, अब इन टहनों की शक्ल देखो जी आप, इसके नीचे भी टहना होगा ना जी, जब आपका पूरा पेड़ ऐसा होगा तो ऊपर का टहना भी ऐसा ही होगा, तो ये कहाँ उसकी धूप रोकेगा जी, धूप जब आपने यहां पहुंचाई ना जी, मैं आपको गारंटी देता हूँ वही सेब आप यहाँ पे भी उतारेंगे जो वहां उतार रहे हैं, जब तक हम यहाँ पे वो क्वालिटी नहीं उतार पाए तब तक हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, लोड भी खींचेगा ना, फिर नीचे झुकेगा, पूरी स्ट्रेंथ आएगी जी, यही टहना आपको इतना मोटा हो जाएगा, इसी में इतने बीमे बन जाएंगे ना जी, जो आपने दायरा इधर बनाया था ना जी, उससे दो गुना फसल यहीं पे देगा, वो भी देगा क्वालिटी वाली, सिंप्लीफाई भी होगा ना बिल्कुल,
जैसे काट दिया इसकी स्लीपिंग आईज उठ जाएगी? बिल्कुल उठेगी भैया। और जब भी स्लीपिंग आईज आपके अंदर, स्लीपिंग आईज कब उठती है? जब इसको जोर लगता है, प्रेशर पड़ता है पीछे जी, तब यहाँ पे जब हमने ग्रोथ में ऐसे रखा कट मारे है ना जी, तो इसको तो जोर यहाँ मिल रहा है, इसको रास्ता मिल गया आसानी से बाहर जाने का न्यूट्रिशन को, तो यहाँ पे ये जोर मारेगा ही। अब ये जोर मारेगा क्योंकि सैप पीछे जाएगा, कहीं ना कहीं से प्रेशर करेगा। और जब भी आपको लगे कि ये वाला पोर्शन मेरा खाली है, ये खाली है जी, और इसमें कहीं अगले साल को एक वाटर शूट फटा, उस वाटर शूट को आपने हेड बैग नहीं करना, वो गलती नहीं करनी है। हाँ जी, पहली साल उसको हेड बैग नहीं करना। आपने उसको हेड बैग किया, फिर आपने वही रास्ता बना दिया, वो जहाँ हेड बैग किया वहीं से तीन शूट निकले। स्टॉप भी नहीं कर सकते, कहीं विग्रस होते हैं। उसको आपने स्टॉप करना है तो इसी तरह से करना है, फिर ऐसे करें। पर पहली साल कोशिश करें कि उसको ना काटे, क्योंकि जब भी आप काटेंगे वो प्रेशर सिर्फ पॉइंट उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ेगा। अगर मान के चलो यहाँ वाटर शूट फटा जी एक, आप इसको काटेंगे तो यहीं से ग्रोथ पे जाएगा वो, यहाँ वाले जो और खोलने थे ना इसको प्रेशर नहीं मिलेगा, इसको ये जोर नहीं मारेगा ना खोखो खोलने, तो इसीलिए उसको अगले साल काटो आप। पर अगले साल आप देखेंगे इधर उधर कहीं ना कहीं और वाटर शूट फटेंगे। जब आपको लगा मेरे वाटर शूट फट गया, फिर आप उसको रिंग से पीछे काटो, उसको स्टब करो बीमा बनाने के लिए, क्योंकि फिर तो आपके पास जरिया आ गया ना बीमा बनाने का। पहले एक बार उसको हमने फाड़ना है आंखों पर, वो करना है जी। इसी तरह से आपने ये भरने हैं जी अंदर, ये वाला पोर्शन भी जो अंदर से हमने साफ करके ले गए हैं ना जी, ये सब में बीमा बनना है और इसमें बनाना है जी। और आने वाले तीन साल में अंदर को वाटर शूट फटेंगे और इसमें सारा बीमा तैयार करना है। तो ये है जी हमारी टेक्निक जो हम कर रहे हैं अपने बगीचों में। अगर इतना बीमा फट गया उसमें सब में से लगा तो क्या बोले, थिनिंग जरूरी है फिर उसमें? थिनिंग वही मैंने आपको बोला जी, आपने फिर क्या करना है? चार बीमे बने हैं जी एक जगह, चार में से आपको चाहिए दो, मेरे को चाहिए चार, तो मैं रखूंगा चारों, मेरे को चाहिए दो तो मैं दो रखूंगा, दो रखो रिंग से काट ना। वो तो ठीक है ना, फिर अगर हैवी फसल लगी ना फिर तो छोटी छोटी रहती, फिर इतनी थी नहीं कहाँ कर पाएंगे फिर बात। नहीं 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 बोल रहा हूँ मैं, बीमा ही काटना आपने सर, अभी आप जब ये काट सकते हैं ना जी, अभी आप ये कट कर रहे हैं, अभी लगती है देखो, अभी आप ये काट रहे हैं, फिर क्या काटना आपने? फिर तो चार बीमे एक जगह, चार में से आपने यहाँ जैसे बीमे है इसमें से आपने बस रिंग से ही काटना, काम तो कर रहे हैं। उसके बाद में आपको गारंटी दे रहा हूँ जी, आप 50 दिहाड़ी लगती होगी, 25 दिहाड़ी में आएंगे। हमारे जितने बंदे जो हमसे जुड़े, हम खुद 30% दिहाड़ियों में आ गए जी, प्रूनिंग में बीमा ही छांट रहे आज, उसमें तो कोई दिक्कत भी है ना जी, बीमा छांटने वो क्रॉप है, मैंने कैसी रखनी है? मेरे को लग रहा है अगले साल मेरे को साइज वाली क्रॉप चाहिए, तो 6 बीमे में मैं 2 ही बीमे रखूंगा, 4 को रिंग मार दूंगा। मेरे को लग रहा है मेरे को ज्यादा सेब चाहिए भाई, अगले साल ऑफ ईयर है, लोगों को लग रहा है अगले साल सेब कम लगेंगे, और मेरे को लग रहा है कि मेरे को अगले साल ज्यादा सेब चाहिए, मेरे पास बीमे तो है। पहले तो बीमे होने चाहिए ना जी, सेब तो उसमें लगेगा, होंगे ही नहीं तो लगेगा किसमें? हम पहली जो हमारी प्रोनिंग थी वो क्या थी, एक तो पहले शक्ल बढ़िया दिखनी चाहिए जी पेड़ की, बढ़िया चाहिए दिशा भाई, इसमें प्रोनिंग हुई है भाई बढ़िया, वैसा दिखना चाहिए। सेब तो बाद की बात, सेब लगेगा बीमे में, बीमा तो था नहीं बनाया, इसीलिए पहले बीमा बनाओ जी। काटना तो अपने हाथ में, आपको लग रहा है मेरे को लार्ज के चाहिए, 5 बीमे काट को रिंग से काटो, एक रख दो, और रिंग ऐसे नहीं कि 5 मारने पड़ेंगे, उसमें पीछे एक ही जगह से निकले होते 4 बीमे, उसका पीछे रिंग होता है, उसे एक ही रिंग से काटो, बीमा तो आएगा ना। अगले साल की गारंटी है कि यहाँ भी बीमा है, इस साल आप इससे सेव लो, अगले साल उससे फसल लो, रोटेशन तो बनाओ ना, आपके हाथ में आएगा तब सब कुछ, आज आपके हाथ में नहीं है जी कुछ, क्योंकि हम क्यों अरे अशुता बीमा बढ़िया अगली बार सुन। और सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं जी, जिस साल हमारे सेब लगते हैं, मान के चलो इस साल हमारे बहुत अच्छी फसल थी जी, तो जब ज्यादा फसल लगती है तब क्या दिक्कत होती थी साइज, उस साल हमारे क्या होता, सीजन लगा नहीं, बस 6 लेयर 7 लेयर निकला, तो हमारे क्या है और शू काटनी हो बेगे आ रहा है साइज न बना, तो हमने जी फुल गेड़ा रखना है साल काटने में, हम लाते इसको काट के सब खूब काटना भाई, इन्हें साइज ही नहीं बना। अरे उस साल थोड़ी काटना है जी आपने, उस साल तो आपका बीमा एग्जॉस्ट हो गया, हर बीमे ने आपको सेब दिया है, तो उस साल तो आपके पास बीमा वैसे ही कम है, उस साल तो आपको कम काटने की जरूरत है। उस साल आपने क्या करना है, जब आपको लगता है कि मेरे बीमे सारे यूज हो गए, इसमें भी सेब लगा था, इसमें भी सेब लगा था, मेरे पास कम, उस साल आपने ये वाली पिने 6-8-10 इंच तक की जितनी पिने हैं जी ऐसी सारी छोड़नी है। मैं गारंटी देता हूँ जी 40-50% आपके फूल आएगा, सेब तो लगेगा पॉलिनेशन से, पर फूल की गारंटी मैं पक्की देता हूँ अगर आपके पत्ते नहीं झड़े, तो वो रोटेशन है। आप इसको पेड़ को कब अल्टरनेट बेरिंग है जी, एक साल सेब लगना, जब तक आप इसको नहीं तोड़ पाए तब तक आप पैसे नहीं कमा पाए, खर्चा जैसे ये न दो ये तो एक तो उड़ाना ही पड़ेगा ना ये जी, मैं ऐसे इसको कंट्रोल में डाल दूंगा, ऐसे जाएगा जी, बस सिंगल, बाकी इसको रहने में ये सब ऐसे ही रहेगा, ये अंदर को जा रहा है जिसको भी ऐसी थी, बस इनकी ग्रोथ बंद करनी है जी हमने, ऐसे कटने जी सारे।